ओके सो हेलो एवरीवन, आज इस ट्रेनिंग में हम सभी फेसबुक पेज क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, आपको कैसे फेसबुक पेज को क्रिएट करना है वो मैं आपको आज इस ट्रेनिंग में बताने वाली हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। ओके तो इसके लिए आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। ठीक है, इसके लिए आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेसबुक को आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले। ठीक ओके तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको लॉग इन करके फिर बैक आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आप अपना जब फेसबुक प्रोफाइल ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पर आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पेजेस पर जाना है, एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन होगा। जब आप पेजेस पर जाएंगे तो वहां पर क्रिएट पेज का ऑप्शन होगा। ठीक है, क्रिएट पे आप क्लिक कर देना। ओके अब यहाँ पर आपको क्रिएट पेज के नीचे इंटरफेस ओपन होगा। ये मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, बट आपको जो फोन से आप करोगे तो आपको दिखेंगे यही ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा जो लुकिंग दिख रहा है इसका स्क्रीन पर आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा मोबाइल में, बट आपको चीजें यही दिखेंगी। लाइक पेज नेम सबसे पहले ओपन होगा। तो हमें जो पेज बनाना है, हमें दो पेज बनाने हैं। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बोला था, एक पेज अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए बनाना है और एक पेज हमें एड ऑन करने के लिए बनाना है। ठीक है, तो एक पेज आपको जो फॉलोअर को बढ़ाने के लिए बनाना है उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, दैट इज ऑल योर चॉइस। लेकिन जो एड रन के लिए बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत ध्यान रखना है ताकि हमारा एड आगे रिजेक्ट नहीं हो। तो पेज नेम, या अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि अपने नेम का पेज बनाओ। ठीक है, और उसपे कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हो, या फिर आप कोई ऐसी अपनी डेजिग्नेशन डालो जिसको आप इन फ्यूचर हमेशा यूज करने वाले हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावर मैन कोच। ठीक है, ये पेज का नाम दे दिया। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी है गाइस, इसमें ना आपको टाइप करना है बिजनेस। जैसे आप बिजनेस टाइप करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। बिजनेस कंसल्टेंट पे आप क्लिक कर देना। बायो, बायो का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहे हो कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो इसमें आपको सिंपली कुछ मत अपना दिमाग लगाना, ये जस्ट टाइप कर लो ताकि आपका एड रिजेक्ट नहीं होगा। आई एम ऑन मिशन टू हेल्प 1 लाख विमेन टू अचीव देयर गोल विदाउट। अगर ये पूरा आएगा तो ठीक है, आई थिंक आता नहीं है, इसका ही रहने दो इसको, क्योंकि इसमें शायद इतने ही फंड्स रहते हैं। तो आई एम ऑन मिशन टू हेल्प 1 लाख वुमेन टू अचीव देयर गोल्स। टू इसमें माइनस हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें हटाना पड़ेगा। अचीव देयर
चलो इसको हम देख लेते हैं अगर ये होता है तो। यहाँ पर फिर क्रिएट पेज पर आप क्लिक कर देना तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट इंटरफेस जब आपका फोन में ओपन होगा तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी, वेबसाइट, फोन नंबर, ईमेल, लोकेशन। तो देखो वेबसाइट में आपको क्या डालना है, या तो आप अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दो क्योंकि कॉन्टेक्ट बेसिकली सॉरी बेसिकली लीड आपसे कैसे कनेक्ट हो, तो इनिशियल लेवल पे मैं सजेस्ट करूंगी आप अपना लिंक डाल दो WA.ME/9197299645। लिंक सबको बनाना आता है व्हाट्सएप का, आई बिलीव दैट। WA.ME/91 के बाद आपका फोन नंबर आएगा तो ये आपका लिंक बन जाता है। ठीक है, फोन नंबर में आपका फोन नंबर ही आएगा, या फिर अगर आपको सर्वे हर्ट पे फोन बनाना सॉरी फॉर्म बनाना आता है तो आप यहाँ वेबसाइट पे सर्वे हर्ट वाला अपना लिंक पुट ऑन कर सकते हो। यहाँ पे फोन नंबर पे देखो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कोड नहीं लगाया इंडिया का, तो आपको कोड लगा देना है 91, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मेल डाल देना, ठीक है, एंड देन उसके बाद एड्रेस डाल देना आप जो भी आपको सही लगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देना। जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये लास्ट इंटरफेस ओपन होता है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ऐड कवर फोटो। तो यहाँ पर आपको जब आप क्लिक करोगे तो अपलोड्स में आ जाओगे आप। मैं जस्ट अभी ऐसे ही बता दे रही हूँ, लेकिन आपको कैनवा में बनानी है अच्छी सी आपकी प्रोफेशनल पिक। ठीक है, लाइक अगर मुझे इसमें मिल जाती है तो मैं दिखा देती हूँ आपको, और मैंने बताया भी था आप लोगों को ट्रेनिंग में, लास्ट ट्रेनिंग में, कि कैसे आप कौन सी पिक आपको लगानी है। तो फॉर एग्जाम्पल, और कैनवा में आप खुद से बनाना, इस चीज का ध्यान रखना ताकि आपकी जो रियल लगे, मतलब बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल पिक है ना वो रियल लगे। जस्ट अभी मैं जस्ट ऐसे ही ये लगा दे रही हूँ, ओपन कर लेते हैं इसको। अभी ये अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और इसमें प्रोफाइल फोटो में आपकी प्रोफेशनल पिक लगेगी, अगर नहीं है तो क्लिक करवा लेना। ठीक है, एक प्रोफेशनल पिक चाहिए हमें, उसको आप, ठीक है, ये देखो ये प्रोफाइल पिक आ गई। इस तरीके से एक प्रोफेशनल पिक रखना, अगर लैपटॉप है लैपटॉप के सामने इस तरीके से क्लिक करवा लेना, नहीं है तो लाइक एक अच्छी सी करवा लेना क्लिक। कवर फोटो में मैंने आपको बताया था, कैनवा में आप जाना, कैनवा में आप टाइप करना कवर फोटो, फेसबुक कवर। चलो मैं एक बार बना के भी दिखा देती हूँ आपको यहाँ से ही। आप कैनवा में अपना जाना, ठीक है, अब कैनवा में हमें टाइप करना है यहाँ पर फेसबुक। अभी फेसबुक पर फोटो ये हम क्यों सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम फेसबुक पर फोटो को पे ही हम इमेज बनाएंगे ना, वो पूरी अच्छे से सेट हो जाएगी वहां पर, आपको कट नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो फेसबुक पेज कवर फोटो, देखो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पर हमें एक अच्छी सी सेलेक्ट करनी है जिसको हम एडिट करेंगे अपने लिए। तो लाइक ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, अब इसको हम एडिट कर देंगे। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आप ओके तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये लोगो हटा देना क्योंकि ये अपना लोगो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी हटा देना, यहाँ पर आप लिख देना
डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके एक ही उसमें ले आना और कंपनी को हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ पे ऑनलाइन कर देना, ऑनलाइन बिजनेस, फाइनेंस, रीच द फ्यूचर गोल्स, ये ठीक है। यहाँ पर आपका कॉलिंग नंबर डाल सकते हो आप, 9 7 2 9 6 4 5 4, और वेबसाइट में आप हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इसको चाहे तो स्किप कर देना आप, इसको डिलीट ही कर देना, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट कुछ है नहीं तो लिंक डालने का भी कोई फायदा नहीं है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। और इसको अब हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर अब आप इसको डिलीट करके एडिट इमेज कर देना। एडिट इमेज में आप गैलरी में जाओगे, इसमें आ जाएगा शायद अपलोड्स में, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, इस वाले को हम डिलीट कर देंगे और अपनी फोटो को सेट कर देंगे। यहां पर इसको आप इसको स्लाइड कर लेना इधर, इसको, ये तो कैनवा का अलग से ट्रेनिंग है, जिसको कैनवा यूज करना नहीं आता है, कैनवा को अच्छे से आप लोग सीख लेना, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये बन गया हमारा कवर फोटो। अब इसको सेव कर लेना है, एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग्स वगैरह, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको रफली बता रही हूँ, आप चाहो तो बहुत अच्छा क्रिएटिव भी बना सकते हो इसको। इसको डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम वापस से हमारे फेसबुक पर चले जाएंगे, जस्ट अ मिनट, ये हम फेसबुक पर आ गए। अब कवर फोटो हम अपनी अपलोड कर देंगे, जो अभी हमने बनाई है कैनवा में, ठीक है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये इस तरीके से आपकी कवर फोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देना, जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपको बोलेगा व्हाट्सएप नंबर को आप कनेक्ट कर दो, ये जरूर करना है आपको, इसको स्किप मत करना, क्योंकि कई बार आपके एड से लीड क्या करती है ना, डायरेक्ट आपके पेज पर आके आपके व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। यूएस वाला हटा देना, आपने को इंडिया वाला डालना है, ठीक है। इंडिया सर्च करके 91 वाला आप कोड सेलेक्ट कर लेना और आपका नंबर, जैसे ही आप ये डालोगे यहाँ पे 91 हटा देना और गेट कोड पर क्लिक करोगे, तो आपके फोन में व्हाट्सएप पे आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपको लिखना है, 41211 मुझे आया है, तो यहाँ पर 41211, ठीक है, इसको कंफर्म कर देना आप। ये आप कंफर्म कर दोगे, आपका व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट हो गया आपके फेसबुक पेज से, क्लियर। अब इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है इनवाइट फ्रेंड्स, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो मेरा पेज मेरे फ्रेंड्स को भी विजिबल हो, जो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरा ये बिजनेस पेज विजिबल हो, तो आप इनवाइट पे क्लिक करके उनको इनवाइट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे जो नोन पर्सन है उनको विजिबल ना हो, तो इसको आप स्किप कर देना, जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे दोनों बटन को ब्लू कर देना, ये वाले, और फिर आप डन कर देना। जैसे ही आप डन करोगे गाइस, आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा। तो यहां तक आपको कंप्लीट करना है, ऐसे ही दो पेजेस बना लेना अलग अलग, ठीक है। ये देखिए, ये आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो गया, तो इस तरीके से ये आपका फेसबुक पेज दिखेगा आपको, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जो एड के लिए आपने फेसबुक पेज बनाया है उसमें ना आपको डेली बेसिस पर कुछ कोट्स, जैसे मैं डेली कोट्स अपने डिजाइन करती हूँ,
ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि हम अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करें तो आप डेली कोट्स यहाँ पर भी डालो, ठीक है? तो यस, पब्लिकली ही हमें दिखाना है, तो यहाँ पर लाइक मुझे कुछ डेली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डालना है। लेकिन ध्यान रखना, जो एड के लिए आपने पेज बनाया है उसमें एमएलएम से रिलेटेड आपको कोई पोस्ट नहीं डालनी है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है, इनकम वगैरह से रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है। सिर्फ आपको ऐसी पोस्ट डालनी है जिसमें आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करो, ठीक है? मतलब आपको सीकर नहीं बन रहा है ना, मतलब आप अर्निंग दिखा के लोगों को लाना चाह रहे हो, ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन अपने पेज पर नहीं दिखाना है। क्लियर इतना? तो यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हो। अभी इसमें शायद लैपटॉप में मेरे नहीं होगी, लेकिन जस्ट मैं एक बार देख लेती हूँ अगर हो तो। इसमें अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ, लाइक ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ये पब्लिश हो जाएगा। ये जस्ट मैं पोस्ट करना बता रही हूँ आपको, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। आप अच्छे अच्छे कोट्स वाले डालना, जो मैंने कोट्स बनाते हैं, या फिर अच्छे अच्छे कुछ प्रोफेशनल वीडियोस हैं उसके आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला अभी मैं हटा देती हूँ। ऑलमोस्ट आपका पेज तो क्लियर हो गया है। एग्जिट विदाउट सेविंग, इससे हम क्लोज कर देंगे, स्विच बैक। ठीक है, तो ये आपका पेज है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहां तक आपको ये कंप्लीट कर लेनी है स्टेप आज। ऐसे दो पेज आप क्रिएट करके रख लो और अलग अलग प्रोफाइल पे बनाना। एक एक फेसबुक प्रोफाइल जिसपे आप एड चलाओगे, उस प्रोफाइल को यूज करना जिसपे आपने आज तक कभी भी कोई एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं की है। और इट डजेंट मैटर आपका न्यू है ओल्ड है, एड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसमें आप केवाईसी डाल दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। केवाईसी कैसे डालनी है उसका वीडियो ऑलरेडी है, जिसमें फेसबुक आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है, तो आपके एड रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना करके रख लेना, क्योंकि अब इसके आगे का स्टेप मैं बताने वाली हूँ, एड कैसे क्रिएट करना है आपको। तो इस तरीके से आपका ये फेसबुक पेज क्रिएट हो जाता है गाइस, और अच्छा सा प्रोफेशनल आप लोग बना सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जिसमें आपको मैं फेसबुक एड रन करना सिखाने वाली हूँ। सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।